हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। दोस्तों, आज के समय में हर कोई किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है, जिसका मुख्य कारण है हमारा जो खान पान है या फिर हमारे अपनी देखरेख में कमी, जिसकी वजह से आए दिन नई नई बीमारियां देखने को मिलती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है दोस्तों डायबिटीज़, यानी कि शुगर, यानी कि मधुमेह। दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज़ एक आम समस्या बनता जा रहा है, जिसे देखो वही शुगर का मरीज बना हुआ है। बड़ों तक तो ठीक था, लेकिन कुछ मामलों में तो दोस्तों ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। शुगर होने का मुख्य कारण खान पान पर सही नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों, आज के समय में शुगर जितना कॉमन है, उतना ही ये गंभीर बीमारी भी है। मधुमेह की समस्या में व्यक्ति के खून में शुगर की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके चलते उन्हें इंजेक्शन और दवाएं खानी पड़ती हैं। इस समस्या में व्यक्ति के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो दोस्तों आजकल हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ घरेलू उपाय शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मदद से शुगर की समस्या से निजात पाई जा सकती है। लेकिन सभी को उन उपायों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती, इसलिए आज हम आपको इस समस्या के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में। किसी भी समस्या को होने से पहले उसके लक्षण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि भविष्य में उसे रोका जा सके। वजन का कम होना या फिर ज़्यादा होना, बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार टॉयलेट आना। दोस्तों, घाव या किसी चोट का बहुत धीरे धीरे से ठीक होना, ये कुछ लक्षण है जिसके द्वारा मधुमेह की समस्या के बढ़ने का पता लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहला है दोस्तों करेला। शायद आप नहीं जानते, लेकिन स्वाद में कड़वा करेला भी शुगर की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। करेला ब्लड में शुगर के प्रभाव को नियंत्रित करके उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। चाहे आप इसका सेवन करें या उसके जूस का, दोनों ही तरह से आपके स्वास्थ्य को लाभ देता है। इसके लिए रोजाना सुबह आपको 2 से 3 करेलों के बीज निकालकर उसका जूस निकाल लें। अब उस जूस का सेवन करें, साथ ही अपने खान पान में भी करेले को शामिल करें। दूसरा है दोस्तों आंवला। आंवला भी दोस्तों डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, रामबाण इलाज की तरह काम करता है। प्रयोग के लिए दोस्तों 2 से 43 आंवलों के बीज निकालकर उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। अब किसी सफ़ेद कपड़े में इसे लपेटकर इसका मतलब जूस निकाल लें। आप इसको अच्छे से निचोड़ लें, 1 कप पानी मिलाकर रोजाना खाली पेट इसका सेवन करें। आप चाहें तो करेले के रस में 1 से 2 चम्मच आंवले के रस को भी मिलाकर पी सकते हैं। तीसरा है दोस्तों जामुन। जी हाँ, स्वाद में खट्टे जामुन भी ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसकी मदद से दोस्तों हेल्थ प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। जामुन के पत्ते से लेकर उसके बीज और उसके बेर सभी शुगर के इलाज के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जामुन के सूखे बीजों को पीसकर पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आम के पत्ते, जहाँ एक तरफ आम आपकी समस्या को बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इसके पत्ते आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। शुगर कम करने के लिए ये एक आयुर्वेदिक इलाज है। इसके प्रयोग के लिए दोस्तों आपको 10 से 12 आम के पत्तों को रात भर 1 ग्लास पानी में भिगोकर रखना है। अब रोजाना सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करें। इसके अलावा आम के पत्तों को छाया में सुखाकर पीस लें और रोजाना आधा चम्मच पाउडर दिन में 2 बार लें, बस फायदा होगा दोस्तों आपको। एलोवेरा, शुगर कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा दोस्तों बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसका सेवन करने से कुछ ही समय में शुगर नियंत्रित होने लगता है। इसके लिए रात भर 1 ग्लास पानी में एलोवेरा के पत्तों को भीगने के लिए रख दें। अगली सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करें। आप चाहें तो एलोवेरा के पत्तों को छीलकर उसके रस का सेवन भी कर सकते हैं। वीट ग्रास, इसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी मदद से बहुत सारी बीमारियां ठीक की जाती हैं। बता दें कि जब गेहूं बोन के बाद कुछ दिनों में जो पत्तियां निकलने लगती हैं, उन्हें ही वीट ग्रास कहा जाता है। 5 से 7 दिन के प्रयोग में ही ये काफ़ी फायदा पहुंचाता है, साथ ही शरीर को ताकत भी प्रदान करता है। ये रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है।
तो डायबिटीज़ के लिए आप इसके रस का सेवन कर सकते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मेथी के दाने, शुगर नियंत्रित करने के लिए दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए मेथी दाने बहुत ही लाभकारी होते हैं। प्रयोग के लिए रात भर 2 चम्मच मेथी दानों को पानी में भिगो दें, अगली सुबह खाली बीजों को चबा चबा कर खाएं, पानी पिए। कुछ ही दिनों में दोस्तों आपको लाभ दिखने लगेगा। दालचीनी, दालचीनी को दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसकी मदद से कई बीमारियों और समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। मधुमेह में भी इसका प्रयोग करना बहुत लाभकारी है। इसके प्रयोग के लिए 1 कप हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को डालकर रोजाना सेवन करें। इसके अलावा 1 कप पानी में दालचीनी की 2 से 4 लटें डालकर उबाल लें। ठंडा होने के बाद दोस्तों इसका सेवन करें, बहुत ही लाभ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ घरेलू उपचार बताए हैं जो शुगर की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और अगर आप इनका उपयोग कर लेते हैं दोस्तों, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेघाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थैंक यू, नमस्कार।